हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं कल आ नहीं पाया था मनाली और मेरे दोस्त पहले आ चुके थे और इस कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आज मैं इनके साथ हो गया हूँ और अब हम मनाली पूरा घूम चुके हैं और यहाँ से हम सफर पे निकल पड़े हैं। देखो दोस्तों, मेरे साथ सभी यहाँ के महानुभाव बैठे हैं। ये हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं मनाली से रवाना हो चुके हैं हम रोहतांग के लिए और रुकेंगे हम सिसु और वहाँ पे सिसु में जाएंगे अभी हम। और अजय जी हमारे साथ बैठे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। अजय जी आप कहाँ जा रहे हो? मिस यू यार मनाली। सी ये सी पूजन करने जा रहे हैं और पीछे भी कुछ बैठे हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ। हमारे बीच में आ चुके हैं डायरेक्टर साहब। हेलो, दोस्तों मेरा मनाली का पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहले कभी आया नहीं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मौका मिला, वो भी इमरजेंसी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया और भाइयों के साथ हूँ और यहाँ पे हम हमारी स्टोरियाँ भी बना रहे हैं और रील्स भी बना रहे हैं। देखो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यूज दिखाना चाहता हूँ। व्हाइट व्हाइट हिल्स है और अब जमी हुई है इनके ऊपर और आप देख पाएंगे कि मेरे सामने देखो हेलीकॉप्टर है यहाँ जो नदी पे उतरा हुआ है और ये नदी है। इसमें कौन सी व्यास रिवर? ये व्यास रिवर है, देखिए इतनी बड़ी नदी है ये। और यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा पाऊंगा। आ गया, ये देखिए आप थोड़ा सा नजारा, देखिए आप हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बीच में हेलीकॉप्टर। पर आप देख पा रहे हैं मेरे साथ ड्राइवर भाई साहब है, बहुत ही मस्त आदमी है और हमें यही घुमा रहे हैं कल से और आज भी यही लेके जा रहे हैं सीसी में। कैसा है भाई साहब सीसी? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी जगह है, नाइट में -20 -18 टेम्परेचर रहता है। सामने वाले माउंटेन से पीछे है। अच्छा, इसके जस्ट पीछे ही इधर लेफ्ट साइड में लद्दाख वाले रोड पे। अच्छा, वहाँ तो ये बर्फ भी ज्यादा होगी? अभी बर्फ नीचे तो नहीं है, माउंटेन से पूरे माउंटेन पैक है। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों। मैं आपको एक फ्रंट का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये नजारा है मनाली का, ये नजारा सबसे बेहतरीन नजारा और ये व्यू तो सबसे खतरनाक वाला व्यू है, नहीं यार सबसे खतरनाक। और देखिए यहाँ की प्यारी प्यारी होटलें, ये देखिए आप ये व्यूज, इसके लिए इस व्यूज को देखने के लिए लोग मनाली में आते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे साथ वाले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, सब कंफ्यूजिंग में हो रहे हैं। ड्राइवर भाई साहब बता रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। इसके नीचे पहुँचता है आदमी थोड़ा और ज्यादा, तो ट्रैकिंग पड़ेगा ना थोड़ा सा, और इसके नीचे आप ना सकते हैं कोई इंजॉय करते हैं। वीडियो तो आपकी ऐसी दाल सुबह नहीं यहाँ पे की पूछो मत। कल आप रोहतांग जाएंगे और कहाँ से वापस उधर जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगी गाड़ी। आज गए आप, कल वहाँ से गाड़ी लेंगे या यहाँ से गाड़ी लेंगे आपको, फिर इधर से रोहतांग तो यहीं से मुड़ जाएगा रोड। इस कारण से भाई साहब ने गाड़ी रोक दी है कि पहले तुम लोग डिसाइड करो कहाँ जाना है, उसके बाद ही मैं गाड़ी चला पाऊंगा। और अब फाइनल में कुछ सोच रहे हैं ना, आपको यहाँ से स्टार्ट गाड़ी मिलेगी, वो गाड़ी भी आपको मनाली से मंगाना पड़ेगी फिर घूमने के लिए। यहाँ पे यही है कि डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आज पहले दिन कहाँ जाया जाए, वो तो शांति वाली जगह है एक रात ना, फिर कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, मेरा उस टाइम हेलो हेलो करने में निकल गया। अभी हम लोग देखो जा चुके हैं, सबने बता दिया होगा, इनके सर ने बता दिया होगा और अभी हम जा रहे हैं आगे सिसु की साइड। तो देखते हैं वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है वीडियो बनाना। और अभी हम लोग निकल गए हैं तो बहुत जल्दी आपको नई जगह दिखाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से करते हैं हम कंप्लीट और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और ये लोकेशन देखो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी है और यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है गाइज। ये आप देखो मेरे पीछे देखो पूरा पहाड़ी एरिया। दूसरी बात यहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे खाने में ये मिल रहा है और उड़ रहे हैं आसमान में और ये चना दाल लेकर आए हैं खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट। ये एक ही है, एक ही है। ये हमारे अजय भाई, पता नहीं इनको रास्ता भूल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। क्या मिल गया क्या रास्ता? हाँ मिल गया। तो ये देखो क्या पता नहीं अभी क्या सोच रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा इनको। ओ भाई मैं और मेरे को भी खाना है तो भाई। और ये पीछे बैठे हमारे जेपी सर, ये लोकेशन कैसी है? ठंड भी नहीं लग रही यहाँ पे, शाम को देख लेना। और ये हमारे कमल जी तो बिल्कुल वो हो गए। चलो गाइज तो आप बने रहो, नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मेरा बेटा मुझे मिल चुका है ना। और बेटा कहाँ पे है? बेटा डांस कर रहा है। ये देखिए दोस्तों मेरा बेटा मिल चुका है और अब आगे की सारी जानकारी यही बताएगा यहाँ के बारे में। लो जी जी दोस्तों, गलती से कैमरा हाथ सामने आ गया था तो मैं बता देता हूँ कि हमारे बापूजी, हमारे पूजनीय बापूजी आ गए हैं। और अभी हम देखो यहाँ घूम रहे हैं, मैं पहले मिल चुका हूँ, ये तो झूठ बोल रहे थे। ये देखो ठंड पानी, पीछे बर्फ और पहाड़ ही पहाड़। और इधर घूमते हैं तो काली धूप, धूप दिख नहीं रही वीडियो में, दिख नहीं रही बट धूप आप समझ लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली से सिसु की साइड, देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है और मस्ती करेंगे, वीडियो बनाएंगे और खूब सारा डांस करेंगे। और आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी आ रही है। तो हमारे साथ हमारे गाड़ी वाले भाई भी है, ड्राइवर साहब है जो उनको, तो बहुत अच्छे आदमी है। मनाली में कभी आना हो ना तो मैं भी आपको ब्लॉग में मिलाता हूँ उनसे, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे उनका। तो बहुत अच्छे आदमी, आपको हर जगह घुमाएंगे और बड़े प्यार से सब कुछ अच्छे से कराएंगे। थे कौन से भाई हो? अच्छा हमारा बाप चो, मैं भूल गए बेटे का बाप ने। दोस्तों नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को हमारा कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, वीडियो में कैसे हम नजर आ रहे हैं और आपको हमारी स्टोरियाँ कैसी लग रही है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा जो बाप बेटे का जो रोल है वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इसमें कुछ। अगर नहीं बैठ रहा हो तो उसको खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, खड़ा कर दे। हाँ, और फिर चला देंगे टिक, टिक, हाँ, टिक, टिक, टिक। तो ऐसे माँ का बापू जी तो आने कहीं गार्ड दाव पड़ रही है, मारवाड़ी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है, नहीं तो हिंदी में बात कर लेते हैं। मतलब इनको बहुत ठंड लग रही है और सबको लग रही है ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन सही बताऊँ बहुत प्यारा लोग, मतलब सही बताऊँ बहुत प्यारा मजा आ रहा है यहाँ पे कि कितनी ठंड है। और ये हमारे कमल जी है जो सिर्फ यहाँ शांति के लिए आए थे, लेकिन उनको शांति नाम की कोई चीज़ नहीं मिली क्योंकि ये वीडियो से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी कभी कभी दिख जाते हैं। भाई साहब इनको कहते हैं उजड़े चमन। अच्छा सॉरी कमल भाई, यार ये ना बेवकूफ़ लड़का है, बिल्कुल पूरा बेवकूफ़ है ये लड़का। इसी को कहते हैं जिंदगी का जी, क्या कहते हैं, ठंड में थोड़ा बोला नहीं जा रहा, जिंदगी है ना इसी। तो यार एक काम कर, कॉपी में लिख के ले क्या, उसको जिंदगी नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग ये, हाँ ये रहा स्वर्ग, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ग में हम खड़े हैं, चारों तरफ मुझे स्वर्ग ही स्वर्ग दिखे और पूरी जिंदगी की शांति यहाँ पर है, बाकी सब मोह माया। तो दोस्तों जो भी हो जल्दी आइएगा घूमने का, मस्त मजा है, बस थोड़े कपड़े लाइएगा मस्त ठंड से बचने के लिए, कि हमारी गाड़ी में रखे हुए ठंड लग रही है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट मोमेंट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नजारा जहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पे नदी बह रही है, ये पानी की नदी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कान ठिठुर रहे हैं, हाथ काम ही नहीं कर रहे। और ये देखो मेरे पीछे ये भैया लोग रील्स बनाने लग गए हैं और फोटो शूट चल रहा है। ये देखो हमारा फोटोग्राफर भी, सुनो ये फोटो खींच रहा है। और ये दोस्तों एनके जी एक बार चश्मा दे दो, मेरे को फोटो शूट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ चश्मा ले लो एनके जी, मुझे ठंड लगी। ना मुझे ठंड लगी। ये देखो ये हमारे अजय सर फोटो शूट करवा रहे हैं
और देखिए आप कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, व्यू पॉइंट देख रहे हैं ये। अच्छा सर, अच्छा सर आप कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? तो दोस्तों अभी हम यहाँ आए हैं मनाली में, और मनाली के अंदर इतना बर्फ गिरा है, ये देखिए दोस्तों हाथ कांप रहे थे, हमारा फेस कांप रहा, मेरे तो टोपी पहन, और यहाँ बिल्कुल शांत का माहौल है और बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो और लाइक करो, कमेंट करो। और दोस्तों अब हम यहाँ पे रील्स बनाएंगे और कुछ स्टोरी भी बनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग मैं यही एंड कर दूँ। दोस्तों आप सबका प्यार ही मुझे इतना उत्साहित कर रहा है कि जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार यूं ही आप मेरे पे बरसाते रहिए और आपकी कृपा बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, मैं ब्लॉग को यही एंड करता हूँ।